राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में बोल दिया था कि संघ, अब हमारा बीजेपी इतना बड़ा संगठन हो गया है कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आज आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी और उनके बड़े नेता का भी ये कहना था कि हमें किसी संगठन की जरूरत अब नहीं है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है और वो डाउन चले जाते हैं, उसके बाद देखा गया वो अपने जो उनका एक तरह से संगठन है, बड़ा आरएसएस संगठन है जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी की विंग है, उस पर मेहरबान होते हुए दिखाई दिए। कई सारे उनके लिए उन्होंने घोषणाएं कर दी और अब देखा जा रहा है कि आरएसएस फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार है, जिसमें वो दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए उनके घर घर जाएगा, भोजन करेगा, ये सारी चीजें कर रहा है। तो क्या आरएसएस फिर से भारतीय जनता पार्टी से ऊपर चली गई है, जहां लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी से बड़ा कोई नहीं, तो क्या फिर से आरएसएस वापसी कर चुकी है? क्या है ये पूरा खेल, आप बताएं। नमस्कार। आज के तारीख में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जिस आरएसएस ने ये बोला था कि राजनीति में नहीं पड़ेंगे, वो फिर से बीजेपी की साख बनाने के लिए काम कर रहा है। उसके उसका कारण मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा किया जा रहा है, उसके कारण मैं तीन गिनाता हूं आपको। पहला कारण है कि वीएचपी ने दलित सम्मेलन में खाना और समरसता दिलाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम करने वाले हैं अगले महीने में। और ये समरसता का मतलब क्या होता है, तो समता नहीं देना है आपको, आपको समता के जगह समरसता देना है। और समरसता का मतलब होता है कि आपको जैसे हो वैसे रहो, स्वतंत्रता। इन्होंने सबके मतितार्थ बदल दिए, संविधान के जो बेसिक चार प्रिंसिपल है उसके अर्थ इन्होंने बदलने का प्रयास किया है। ये स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय की जगह मुक्ति, मोक्ष, समरसता और निष्ठा। मतलब स्वतंत्रता नहीं मांगना है, मुक्ति मांगना है। मुक्ति तो मरने के बाद होती है, तो जिंदा है तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ना बोलने की, ना विचार करने की, ना हमारे मत प्रकट करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप राष्ट्रभक्त बने रहिए, देशभक्त बने रहिए, आपको मोक्ष मिलने के पूरा प्रबंध हम कर देंगे। तो इन्होंने स्वतंत्रता की जगह मुक्ति दिया है, समता की जगह समरसता दिया है। समरसता ये क्या होती है, ये इक्वल नहीं है, समता के इक्वल नहीं है समरसता। समरसता का मतलब होता है कि आप जैसे हो वैसे रहो, चुपचाप रहो और ये फील करो कि वो भी बराबर है, भगवान का बेटा है और मैं भी भगवान का बेटा हूं, वो भी भगवान ने पैदा किया हुआ है, मुझे भी भगवान ने पैदा किया है। आपके अधिकार मत मांगना, आपकी स्वतंत्रता और समता मत मांगना। समता के लिए क्या होता है कि करना पड़ेगा को ऑफ लाइट वी को ऑफ लाइफ, को लाइफ विथ इनइक्विटी, मतलब समरसता। और दुनिया भर में इक्वेलिटी के लिए शब्द है, इक्वेलिटी ये समता होती है। और को लाइफ विथ इनइक्वेलिटी मतलब आप गैर बराबर हो, मगर फील करो कि आप एक हो, एक भूमि की संतान हो, एक राष्ट्र की संतान हो, आप हिंदू हो और हिंदुस्तान की संतान हो, ये आपको फील करना है। आपको मिलना कुछ नहीं है। और आपको न्याय की जगह निष्ठा रखो, किस पर, देश पर निष्ठा रखो, धर्म पर निष्ठा रखो, मोदी पर निष्ठा रखो, संघ पर निष्ठा रखो। निष्ठा इस बात के लिए रखो कि आपका भला होने वाला है, कब होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं। तो ये सब बातें जो है उसके लिए ये सम्मेलन करना चाहते, समरसता सम्मेलन। पत्रिका छपाई है इन्होंने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्नेह संदेश है, संघ ने हमेशा विविधता में एकात्मता के भाव को अपना आदर्श माना है। मतलब जो जैसा है, जैसा गटर साफ कर रहा है, जैसा रोड में झाड़ू मार रहा है, वो वहां अपने बात ऐसे ही रखे। विविधता इनको धर्म में नहीं चाहिए, विचारों में विविधता नहीं चाहिए, मगर झाड़ने वाला झाड़ते रहे, पत्थर फोड़ने वाला पत्थर फोड़ते रहे, राज करने वाला राज करता रहे, घंटी बजाने वाला घंटी बजाते रहे, उसमें रहते हुए आप एकात्मता रखो। ये फिर मन का भाव है कि एकात्मता, वो भी ईश्वर का पुत्र है, मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ, वो भी भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, ये भाव रखो आपको। और अपना भाव आपको आदर्श मानना चाहिए।
एकात्मता के लिए समाज में समरसता होनी आवश्यक है, समता नहीं, समरसता होनी आवश्यक है। पत्रिका है उनकी जो पढ़ रहा हूं मैं, समरसता ही बंधुता है। देखो कितना छल, कितना आपको मूर्ख बनाने का प्रबंध ये करते हैं कि समरसता ही बंधुता है। बंधुता समरसता में प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा क्या मुझे? बंधु अगर है तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, बराबरी का शेयर नौकरियों में मिलेगा, राज में मिलेगा, काज में मिलेगा, संविधान के अनुसार मुझे हर चीज में बराबरी का अधिकार मिलेगा। मगर यह समरसता ही बंधुता है, समझा रहे? मनुष्यता वही मनुष्यता है। अमानवीय व्यवहार करने के कारण हमारे यहाँ के कितने लोग किस तरीके से जीवन जी रहे हैं और ये मनुष्यता सिखा रहे। समरसता का यह दर्शन हमें तब प्राप्त होता है जब मंदिर, पानी और शमशान समस्त हिंदू समाज के लिए एक समान होता है। आपने जातियों के शमशान बना लिए। आपने ही बताया था भागवत जी कि जातियां हमने पैदा की है, और आप अभी बता रहे हैं कि मंदिर, पानी और शमशान एक होगा। जातियों के शमशान बना दिया, जातियां आपने बनाई, कैसे हो गए एक? और मंदिर में जिसको घुसने नहीं देते उनका क्या? द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया, आप मंदिर को एक करना चाहते हो। और पानी तो पीने का इतना विवाद पूरे देश में चल रहा था कि कौन कहां पानी पिएगा, कौन से घड़े में कौन छुएगा और नहीं छुएगा, ये अभी भी आपने विवाद समाप्त नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हिंदू समाज के लिए एक समान होगा। कैसे होगा? इसके लिए क्या करोगे? तो एक आध बार कैमरा में आने के लिए आप उनके साथ में खाना खाने का नाटक करोगे। आप खाओगे नहीं, नाटक करोगे। हम सब भारत माता की संतान है और सबको साथ लेकर चलना ही संघ का ध्येय है। ये कौन से साथ लेकर चलते और किस तरीके से साथ लेकर चलते मुझे पता नहीं है, मगर अभी ये स्वांग VHP लगा रही है, कर रही है, क्योंकि इनको लगा SC ST वोट टूट गए हैं। तो अभी हमको कुछ ना करना है, तो क्या करना है? साधु बन के सीता का हरण करना है। ये आपके पास में VHP भगवाधारी ये सवर्ण लोग आपके पास में आएंगे और आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम समरसता लाएंगे। मगर ये समझ लेना कि ये साधु बनके आपके नौकरी का, शिक्षा का हरण करने के लिए आए हुए शैतान हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, दो गुजरातियों को टाल के अगला अध्यक्ष कौन होगा ये तय करने का अधिकार हमें रहेगा, ये बता दिया है उन्होंने BJP को कि अगर हमारी मदद चाहिए तो ये करना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में बोल दिया था कि संघ, अब हमारा BJP इतना बड़ा संगठन हो गया है कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद ये एक्टिव हो गए। और मैं एक बात बोलता हूँ कि इनके वजह से नहीं, कोई हारता नहीं और कोई जीतता नहीं, इनके वोटों से भी नहीं हारता जीतता, मगर ये हवा बनाते हैं। और हवा बनाने में OBC समाज, SC समाज, ST समाज, माइनॉरिटीज ये कमजोर पड़ती है। हम नहीं करते क्योंकि मीडिया नहीं होगा हमारे पास में, पूरा मेनस्ट्रीम जिसको बोलते हो गोदी मीडिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। मगर सोशल मीडिया इस पे टूट पड़े, इसको समझाए, इनको आईना दिखाने की जरूरत है कि आप मतलब देश नहीं हो, RSS मतलब हिंदू नहीं है, भाजपा मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू का संगठन नहीं है, और मोदी मतलब हिंदू के प्रवक्ता नहीं है। शंकराचार्य उनके विरोध में कंटिन्यूअसली बोल रहे कि धोखेबाज हिंदू नहीं हो सकते, और राहुल गांधी ने जब बोला तो ये टूट पड़े सब, सबके सब, हिंदुओं को हिंसक बोला, हिंदुओं को हिंसक बोला। RSS के हिंदू हिंसक हते होते हैं और हिंसक बातें करते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं। जितने भी आप सोशल मीडिया पर माँ बहन की गाली देने वाले लोग देखोगे, वो सबके सब, नाम किसी का भी हो, चाहे नाम अनिल हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे अब्राहम हो, मगर उसके पीछे होगा RSS का ही बंदा, और वही राम झूठे आके वो कर रहा होगा। जब भी कोई गाली बक रहा होगा ये समझ लेना कि ये RSS का बंदा है, नफरती ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। एक तो वो RSS का होगा, या तो फिर जिसने RSS ने जिनको सहूलियत दी है OBC जैसे लोग, उनका बंदा होगा, उनको, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और तीसरी बात है कि अभी योगी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जिसको हटाने का मोमेंट चल रहा था, वो केशव प्रसाद मौर्य और पाठक चुप हो गए। इनको चुप कराने का काम किसने किया है? तो RSS ने किया है। ये तीसरा लक्षण है कि अब नकेल कस रही है RSS। और ये ध्यान रखना, मोदी उतने खतरनाक नहीं है जितने RSS की विचारधारा खतरनाक है। मोदी व्यक्ति है, व्यक्ति से बड़ा विचार होता है, और विचार
युगों युगों तक सालों सालों तक चलता है, और ये सालों का विचार जो है, ये सालों बाद चलने वाला विचार, इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर किसान का बेटा किसान के विरोध में खड़ा कर दिया है। दिन भर किसान अपने खेत में मेहनत करता है और रात में जाके चौकीदारी करता है, क्योंकि उसके बेटे ने गौ रक्षा के नाम से जो खुले जानवर बचाए हैं वो जानवर उसके खेत को चर जाएंगे। तो बाप के विरोध में बेटे को खड़ा करने वाली ये जो विचारधारा है, उस विचारधारा की बात करनी पड़ेगी। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। 75 साल में रिटायर्ड होने का जो मोदी ने फरमान निकाला था, अगले साल 75 के हो जाएंगे, नहीं रहेगा। मगर उनसे ज्यादा बड़ा नफरती चिंटू वहां ना बैठे, देश का अहित न करे, ये देखने का काम हम लोगों का है। मैं इतना ही विनंती करता हूं आपसे कि भाई सजग रहिए। रात दुश्मन की है, दुश्मन कभी भी हमला करता है और आपको दिखाई भी नहीं देता, वो आपके साधु के भेष में आता है और शैतानी काम करके चले जाता है। इसलिए जागरूक रहिए, होश में रहिए और अपना मत प्रकट कीजिए। नमस्कार।